जब भी कोई व्यक्ति समाज का इस व्यवस्था में रह रहा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण उसके शांतिपूर्ण जीवन के लिए होता है कानून। और ये कानून कैसे काम करता है, इसी को देखते हुए ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और जिस बदलाव की दरकार दशकों से थी, उसको लेकर जो कानून लाए गए उनके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि सीआरपीसी में संशोधन को लेकर जो विधेयक लाया गया है उसमें क्या कुछ किया जा रहा है आपके सामने रखते हैं कि दरअसल जो पुराने विधेयक हैं उन्हें बदल कर अब नए विधेयक लाए जा रहे हैं। एक नजर डालें तो पुराने विधेयक में आईपीसी 1860 का बना हुआ, भारतीय न्याय संहिता सीआरपीसी 1898 के बनी हुई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का बना हुआ, इन्हीं को बदला जा रहा है। बदला कैसे जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 सीआरपीसी की जगह पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये है जिनको लाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर पहले भी बात होती रही है और अब इसको लेकर इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। साथ ही इस विधेयक में जितने कोलोनियल शब्द, कोलोनियल दौर, ब्रिटिशर्स के दौर के जो शब्द जिनका प्रयोग लगातार होता रहा है पिछले 160-170 सालों से, उन्हें भी हटाया गया है। जो विधेयक अब नए लाए गए हैं उनकी बात हो रही है कि इनमें जो कानून बनाए जाएंगे उनके तहत ये किया जा रहा है। लेकिन सीआरपीसी में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है? दरअसल ये बहुत पुराने कानून हैं, ब्रिटिश कानून के वक्त के साथ भारत जो आजाद हुआ उसके बाद से भारत बहुत बदल गया है, जरूरतें बदल गई हैं, इनमें से बहुत से कानून जिनको अब वक्त के हिसाब से बदलना जरूरी था। यूं भी इनकी जटिल प्रक्रियाएं हैं इन कानूनों के तहत, जिसके कारण न्याय में भी विलंब होता है और जो गरीब कमजोर होते हैं वो न्याय से वंचित रह जाते हैं। जो अब आधुनिक प्रक्रियाएं हैं जांच की, वेरिफिकेशन की इत्यादि, वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। सबको देखते हुए इन बदलाव को करते हुए नए कानूनों को लाया जा रहा है। सीआरपीसी में जो संशोधन किए जा रहे हैं उसके तहत हर कानून के बारे में दो तीन बिंदु आपके सामने रखना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, तो ये जो नया कानून बनाने की बात की जा रही है इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य हैं वो भी मान्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ही माध्यम से, चाहे गवाह की बात करें, अभियुक्त की बात करें, विशेषज्ञ की बात करें या फिर पीड़ित की बात करें, उनके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेशी को मान्य माना जाएगा। FIR से केस डायरी तक और चार्जशीट से फैसले तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्रक्रिया रहेगी। केस की जांच में न्याय व्यवस्था के जो लीगल प्रैक्टिस होती है उसकी ज्यादा सटीक और समान नियम पर भी जोर दिया गया है, यानी ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि अगर कोई अपराध होता है तो उसमें जांच से लेकर अदालत में फैसला आने तक सारी प्रक्रिया सही ढंग से आगे बढ़े। वहीं अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इसके तहत प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें इस पर जोर ज्यादा दिया गया है। जैसा हम जानते हैं फोरेंसिक विज्ञान से ही आरंभिक जांच को भी मजबूती मिलती है। इसके अलावा चाहे समन देना हो, तमाम इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए जो कम्युनिकेशन की बात है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर ही जोर दिया गया है, ताकि पेपर का इस्तेमाल ना हो और कम्युनिकेशंस भी डिजिटल हो, समयबद्ध जांच हो, समयबद्ध ही ट्रायल हो और फैसला भी समयबद्ध तरीके से ही आए, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। FIR मामले में अपडेट, जिन लोगों के मामले चल रहे हैं उन तक ये सुविधा पहुंचाई जा सके डिजिटल माध्यम से कि उनका मामला किस स्तर तक पहुंचा है, अदालतों के चक्कर उन्हें ना लगाने पड़े। लेकिन साथ ही साथ सर्च और जब्ती की कार्यवाही की भी प्रॉपर वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, तमाम ऐसे प्रावधान भी इसमें किए गए हैं ताकि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा सके। वहीं भारतीय न्याय संहिता की बात करें, अगर भारतीय न्याय संहिता 2023, तो पहले बार सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान इसमें किया गया है। हमने विदेशों में लगातार देखा है कि किस तरीके से जो छोटे अपराध होते हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस की बात की जाती है और वो दिया भी जाता है, तो वही प्रावधान अब हमारे यहां भी महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत से अपराध ऐसे हैं जिन्हें जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, यानी पुरुष ने किया या महिला ने, यह महत्वपूर्ण नहीं रहेगा।
आतंकवाद और जो संगठित अपराध हैं जो जड़ें जमा रहे हैं आज के दौर में, उनकी परिभाषा भी तय की गई है और उनका व्यापक तरीके से व्याख्या की गई है ताकि अधिक से अधिक ऐसे अपराध जो इन श्रेणियों में आते हैं उन पर भी गौर किया जा सके। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं यहाँ जिनके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आम जन है, जो भारत का जो देशवासी हैं, उन सभी को कानून बेहतर तरीके से न्याय दिला सके। न्यूज नाइट में यहां पर रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम करेंगे संसद के कामकाज पर चर्चा, यानी मॉनसून सत्र में संसद में कैसा हुआ कामकाज।